हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यूज चैनल ऑल न्यूज नेशन में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप पर उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि गर्मी से अचानक ठंडे वातावरण में आना हेल्थ के लिए हो सकता है हानिकारक। गर्म वातावरण से आकर एयर कंडीशनर चालू नहीं करना चाहिए। दिन भर काम करने के बाद ऑफिस से घर पहुंचते ही हम सब एयर कंडीशनर पर स्विच करने की ओर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा इसके खिलाफ सलाह दी जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है आखिर क्यों? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म से ठंडे तापमान में अचानक गिरावट मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पुरानी सर्दी से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। घर के अंदर और बाहर के तापमान में अचानक और अत्यधिक परिवर्तन शरीर को परेशान करता है। यह शरीर को तनाव में रखता है क्योंकि यह एक गर्म वातावरण से एक वातानुकूलित तक खुद को समायोजित करने के लिए मजबूर होता है। तापमान में अचानक हुए इस बदलाव से आपकी त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन और आंखें सूख सकती हैं। आपकी त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन, बहुत से लोगों खुजली और छींकने की शिकायत भी करते हैं। ऐसे लोगों की इस प्रतिक्रिया के पीछे का संभावित कारण अंदर और बाहर के तापमान में बदलाव हो सकता है। यह भी आंख, त्वचा संक्रमण और मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकता है। इससे दूसरी समस्या भी हो सकती है, जैसे बहती आंख, अस्थमा के दौरे, मांसपेशियों में दर्द, साइनसाइटिस फ्लू, सर्दी, गले में खराश, गंभीर दर्द और मांसपेशियों में दर्द। इसलिए मॉल, कार्यालयों, अस्पतालों और इस तरह के बंद संगठनों के अंदर का आदर्श तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे स्वस्थ रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। अत्यधिक कम तापमान किसी की मौजूदा चिकित्सा स्थिति को खराब कर सकता है। यह विशेष रूप से वृद्ध लोगों में देखा जाता है। श्वसन समस्याओं वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। जब तापमान बाहर बहुत गर्म होता है तो धूप में सीधे बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने एयर कंडीशनर को बंद रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अपना चैनल ऑल न्यूज नेशन, जो कि बिल्कुल फ्री है।